खंडवा में 5 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच सेना की भर्ती रैली आयोजित होगी, जिसमें इंदौर व उज्जैन संभाग के 15 जिलों से कुल 42,700 युवा शामिल होंगे। नगर गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में सेना भर्ती कार्यालय महू एवं खंडवा जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कलेक्टर अभिषेक सिंह व पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने संचालक कर्नल राजीव कुमार व मेजर तन्मय रस्तोगी के साथ सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए। भर्ती रैली के आयोजन स्थल पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है। आज पहले दिन मंदसौर जिले एवं उज्जैन की खाचरौद तहसील के 5,357 युवा शामिल होंगे। कर्नल राजीव कुमार ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में आयोजित भर्ती रैली में अलग अलग जिले के आवेदकों को अलग अलग तिथियों में बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भर्ती रैली में शामिल होने के लिए इस बार कुल 42,700 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है, जिसे वे भारतीय सेना की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेना में सोल्जर जीडी, सोल्जर नर्सिंग, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर टेडमैन व सोल्जर क्लर्क पद के लिए भर्ती की जाएगी। आर्मी भर्ती कार्यालय मऊ द्वारा आयोजित ये भर्ती रैली इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों के लिए खंडवा के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में 5 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक ये ऑर्गेनाइज की जा रही है। 8 दिवसीय ये भर्ती है, तो इसमें टोटल 42,700 कैंडिडेट ने पंजीयन कराया है। आज मंदसौर जिले और उज्जैन जिले का एक तहसील खाचरौद तहसील का आज था, जिसमें टोटल थे पंजीयन किए हुए लोग थे 5,357 और आज प्रेजेंट हैं 3,446। खंडवा से राहुल बोरसिया की रिपोर्ट।